हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्स की कि व्हाट इज पल्स या पल्स कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पल्स। इट इज अ वेव ऑफ पल्स ऑन द आर्टेरियल वेसल वॉल जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन एंड इलोंगेशन ऑफ द वॉल्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये जो है एक टाइप का वेव है। इट इज ए वेव, वेव ऑफ पल्स ऑन द आर्टेरियल वेसल। आर्टरी जो होती है उसके वेसल पे एक टाइप का वेव जनरेट होता है। और ये वेव क्यों जनरेट हो रहा है? इट रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन एंड इलोंगेशन ऑफ वॉल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम पे जो होता है आर्टरीज वॉल का थोड़ा सा एक्सपांशन और इलोंगेशन होता है एक वेव की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। अब ये वेव्स जो है जनरेट क्यों हो रही है? क्यों ये सिर्फ वेंट्रिकल वॉल्स, वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल के कारण हो रही है, या क्यों हम पल्स जो है सिर्फ आर्टेरियल वेसल पर ही काउंट करते हैं, वेन की वॉल्स पे क्यों नहीं काउंट करते? तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि एक्चुअली में ये वेव जनरेट क्यों हो रही है जिसको हम पल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। द पल्स इज अ वेव ऑफ डिस्टेंशन एंड इलोंगेशन फेल्ट ऑन द वॉल आर्टरी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सिंग अबाउट 60 टू 80 मिलीलीटर ऑफ ब्लड थ्रू द ऑलरेडी फील्ड एओर्टा इनटू द आर्टेरियल सिस्टम। अब देखिए, मैं आपको एक डायग्राम थ्रू सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये है आपका एओर्टिक सेमिलूनर वॉल। यहाँ से ब्लड जो है ये पीछे से होते हुए ये जो है ये है आपका एओर्टा। करेक्ट, अब एओर्टा में ब्लड जो है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, फील्ड है कि नहीं? अब क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसका प्रेशर एओर्टिक वॉल से ज़्यादा होता है तब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर एओर्टा में एंट्री करता है ना। एओर्टा में जब एंट्री करता है और एओर्टा जो ऑलरेडी फुल फील्ड है ब्लड से, फुल है एकदम, तो एक जो है इसी ऑलरेडी फील्ड एओर्टा में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फोर्सफुली जो एंटर हुआ है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 60 to 80 ml के बीच में होता है। ये जो 60 to 80 ml ब्लड जो एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन के बाद जो ऑलरेडी फील्ड एओर्टा में एंट्री करता है, When the aorta distended, इसी एंट्री ऑफ ब्लड की वजह से एक वेव जनरेट होती है जो कि आपकी वॉल्स ऑफ आर्टरीज के थ्रू जो है प्रोपोगेट होती है, ट्रेवल होती है, पास होती है, एंड कैन बी फेल्ट एट एनी पॉइंट वेयर द सुपरफिशियल आर्टरी कैन बी पास प्रेस जेंटली अगेंस्ट द बोन। मतलब आप किसी भी आर्टरी को अगर प्रेस करेंगे हल्के से फिंगर से, तो वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो थोड़ा सा अमाउंट जो एओर्टा में एंट्री किया है उसने एक वेव जनरेट किया है, उस वेव को हम अपने फिंगर पे फील कर सकते हैं अगर हम किसी आर्टरी को प्रेस करते हैं तो अगेंस्ट दी बोन, यानी बोन के ऊपर की आर्टरी मान लीजिए आप। द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट नॉर्मली रिप्रेजेंट द हार्ट रेट एंड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट एंड इन द सेम पीपल एट डिफरेंट टाइम। अब ये जो पल्स का जो रेट होता है, पल्स का रेट जो है एक्चुअली हार्ट रेट को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब जितना पल्स रेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली उतना ही आपका क्या रहेगा, हार्ट का रेट रहेगा, क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब वो हार्ट का रेट हो गया। तो जितने बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतने बार वेव जनरेट होगी, जितने बार वेव जनरेट होगी मतलब उतनी पल्स हो गई। अब ये जो पल्स है वो डिफरेंट पीपल में डिफरेंट हो सकती है, सेम पर्सन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और कॉमन जो पल्स रेट है इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 80, 60 से लेकर 80 के बीच में नॉर्मली पल्स रेट होता है, समझ में आया है ना। अब इसके बाद अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमको पल्स से मिलती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहला तो रेट, कि हार्ट का रेट क्या है बीटिंग का, द रेगुलरिटी विथ विच द हार्ट बीट्स अकर्स, यानी किस टाइप से हार्ट बीट कर रहा है, कौन सी रेगुलरिटी से बीट कर रहा है वो भी हमको पता लग सकता है। द वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ द बीट, है ना, बीट कितना स्ट्रेंथफुल है या कितना वॉल्यूम उसमें इजेक्ट आउट हो रहा है उसको भी हम पता कर सकते हैं। साथ में द टेंशन, और आर्टरी वॉल
का जो टेंशन है उसको भी हम फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्स। अब क्या हम, जैसे डॉक्टर्स जनरली हाथ की, हमारे आर्म की जो पल्स आर्टरी होती है उसको जो हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, सिर्फ उसी को प्रेस करके हम पल्स रेट पता कर सकते क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारी आर्टरी है जिनके थ्रू हम पल्स काउंट कर सकते। टेम्पोरल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, पॉपलिटियल आर्टरी है, पोस्टेरियल टिबियल आर्टरी है, डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी है। ये सभी आर्टरी को हम प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में पल्स रेट कितना है। करेक्ट, तो पल्स समझ में आया। पल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये हार्ट है ना, ये यहाँ से आपका एओर्टा। तो जैसे ही ब्लड जो है एओर्टा में एंट्री करता है, इस एओर्टिक वॉल पे एक टाइप का वेव जनरेट होता है, और यही वेव जो है सामने जितनी भी आर्टरीज रहती उनके वॉल पे भी इस टाइप से फ्लो होता है। और इसी वेव को जब हम इसके ऊपर फिंगर रखते हैं तो यहाँ पर हमको एक टाइप का वेव फील होता है, और इसी वेव को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हार्ट रेट को। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला है, द आर्टरी सप्लाइंग द पेरिफेरल टिश्यूज आर नैरोड और ब्लॉक्ड एंड द ब्लड देयरफॉर इज नॉट पंप थ्रू देम विद ईच हार्ट बीट। अब मान लीजिए कि किसी, जैसे ये हाथ हैंड है, अब मान लीजिए कि यहाँ से ये आर्टरी फ्लो हो रही है, अब ये आर्टरी यहाँ से जा रही है और यहाँ पर किसी टाइप का ब्लॉकेज हो गया है, तो ब्लड जो है वो यहाँ पर आएगा और इसके आगे प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा, और वेव्स जो है वो भी यहाँ तक आएगी और इस ब्लॉकेज की वजह से इसके आगे जो है प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे पल्स रेट, तो पल्स रेट हमको डिफरेंट मिल सकता है। तो किसी भी टाइप का अगर ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक्ड हो गई या फिर नैरोड हो गई, तो उसकी वजह से भी हमको जो है पल्स रेट जो है वो डिफरेंट मिल सकता है। तो ये एक फैक्टर अफेक्टिंग हो गया पल्स रेट का। सेकंड, अगर मान लीजिए कि हार्ट में किसी टाइप की डिसीज है या हार्ट जो है वो फेल हो गया है, मतलब कि प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है, इन इनफ ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, तो उसमें भी जो है पल्स रेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।